नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरों के साथ। पोर्नोग्राफी केस में घिरे राज कुंद्रा को एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पॉर्न फिल्म केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रेयान थॉर्पे की मूल याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई और तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। दरअसल हाईकोर्ट ने अश्लील फिल्मों के निर्माण और ऐप के जरिए इसके प्रदर्शन के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले कारोबारी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थॉर्पे याचिकाओं पर बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को बड़ा झटका दिया है। अब बात करेंगे देश में लगातार बढ़ते कोरोना आंकड़े के बीच और तीसरी लहर के अंदेशे के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार कोरोना की तीसरी लहर से पहले वॉलंटियर्स तैयार करेगी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, ऐसे में केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। वहीं विशेषज्ञों के अलर्ट के बाद कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार तीसरी लहर से पहले वॉलंटियर्स की टीम बनाएगी, जिसके तहत हालात बिगड़ने के स्थितियों में काबू किया जा सके। बता दें कोरोना की दूसरी लहर को देश बेहद करीब से देख चुका है, ऐसे में तीसरी लहर के खतरे के बीच केंद्र सरकार अब तैयारी में जुट गई। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार सियासत जारी है। जहां एक तरफ आरजेडी जातीय जनगणना चाहती है तो वहीं नीतीश कुमार भी इसके समर्थन में, और इसी को लेकर आरजेडी सड़कों पर उतरती नजर आई। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर आरजेडी सड़कों पर उतरी। पार्टी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के सड़कों पर जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने, मंडल आयोग के शेष सभी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें राज्य में जातीय जनगणना को लेकर सियासत लगातार गर्म है। उस मसले को लेकर राज्य में एनडीए में शामिल जेडीयू भी आरजेडी के समर्थन में है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हुई बैठक में इस संबंध का प्रस्ताव भी पास किया गया है। अब बात करेंगे यूपी के बलिया की, जहां बीजेपी नेता आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा और बसपा पर निशाना साधा है और ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर आनंद स्वरूप शुक्ला ने तीखा तंज कसा है। खबर बलिया से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों पर निशाना साधा और बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा बसपा दिन में सपने देख रही है। राज्य मंत्री शुक्ला ने कहा कि जो खुद अशुद्ध है वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पुरातन संस्कृति के प्रति गौरव सम्मान का भाव रखती है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की राजनीतिक जीत है, सभी दल ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जबकि ब्राह्मण समाज हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। जिनमें सपने देख रहे हैं, जो स्वयं अशुद्ध हैं वो प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गौरव का भाव रखती है। जो ऋषि परंपरा है उसके प्रति अगर कोई गौरव का भाव रखता है, उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है, वह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीतिक विजय है कि वह दल जो दूसरे लोगों के पीछे घुमा करते थे, आज सभी दलों को ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए ब्राह्मणों के सम्मान का ही द्योतक है कि सभी दल आज ब्राह्मण ब्राह्मण। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का मामला भारत में भी तूल पकड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता की ओर से पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिविल कोर्ट लालगंज में परिवार दाखिल कर पाकिस्तान पीएम पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। बता दें परिवार कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश ने दाखिल किया। सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीख मुकर्रर की गई। पाकिस्तान में गणेश मंदिर के तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ा है और इसको लेकर कांग्रेस नेता ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताने से पहले कुछ महीने पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के विरुद्ध भी परिवाद दर्ज करा चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार।